यूपी में आज होगा योगी कैबिनेट का विस्तार, शाम 5 बजे हो सकता है शपथ ग्रहण। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान का कैबिनेट मंत्री बनना तय, एक मंत्री जयंत चौधरी की आरएलडी का भी होगा। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली और हिमाचल प्रदेश सरकार ने महिलाओं को दिया बड़ा तोहफा, महिला सम्मान और सशक्तिकरण के तहत दी जाएगी आर्थिक मदद। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने का किया ऐलान, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत ये राशि दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की महिलाओं को सौगात, इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना का ऐलान, 18 से 80 साल की महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1500 रुपए। देश में आज पहली बार पेयजल सर्वेक्षण अवार्ड दिए जाएंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पेयजल आपूर्ति में उल्लेखनीय काम करने वाले राज्य और शहरों को सम्मानित करेंगी, कुल 130 पुरस्कार दिए जाएंगे। कर्नाटक विधानसभा में पिछले दिनों पाकिस्तान समर्थित नारेबाजी मामले में 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, राज्य सरकार ने फोरेंसिक जांच में वीडियो को सही पाया है। दिल्ली के इल्तिहाद, बेंगलुरु के मुनव्वर और हावेरी का मोहम्मद शफी अरेस्ट हुए हैं। कर्नाटक राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी नासिर हुसैन की जीत के बाद विधानसभा के अंदर पाकिस्तान समर्थित नारे लगाए गए थे। बिहार के मुख्यमंत्री विदेश दौरे पर रवानगी से पहले आज विधान परिषद के लिए नामांकन दाखिल करेंगे, राज्य की 11 एमएलसी सीटों पर चुनाव होना है, मुख्यमंत्री भी मौजूदा कार्यकाल 6 मई को उनका खत्म हो रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को जारी किया समन, फेमा उल्लंघन मामले में पूछताछ के लिए 11 मार्च को तलब किया है। बिहार के बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन की समय पूर्व रिहाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, गोपालगंज के तत्कालीन डीएम कृष्णैया की पत्नी ने आनंद मोहन की रिहाई को दिया चुनौती, कृष्णैया की पत्नी पर आप सांसद संजय सिंह की जमानत अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, शराब घोटाले में गिरफ्तार संजय सिंह ने अपनी गिरफ्तारी और ईडी रिमांड को भी चुनौती दी है। यूपी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की मान्यता खत्म करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सपा नेता लाल बिहारी यादव की याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट खारिज कर चुका है, पार्टी के 10 से कम विधायक होने की वजह से खत्म हुई थी मान्यता। दुर्लभ वन्य जीव संरक्षण के उल्लंघन मामले में एल्विश यादव के खिलाफ आज गुरुग्राम कोर्ट में फैसला सुनाया जाएगा, बिग बॉस विनर और यूट्यूबर एल्विश पर अपने गानों में दुर्लभ प्रजाति के सांपों को शूट करने का आरोप है। पीएम मोदी के तेलंगाना दौरे का दूसरा दिन है, प्रधानमंत्री आज संगारेड़ी में 6,800 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और शिलान्यास भी होगा, दोपहर बाद ओडिशा के जाजपुर में कार्यक्रम में 20,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी 6 मार्च को पश्चिम बंगाल में रहेंगे, कोलकाता में 15,400 करोड़ की योजनाओं का देंगे सौगात, देश के पहले अंडर वाटर मेट्रो का भी करेंगे उद्घाटन, बिहार के बेतिया में 12,800 करोड़ की परियोजनाओं का देंगे तोहफा। पीएम मोदी ने सोमवार को तेलंगाना के आदिलाबाद में 56,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है और इस दौरान पीएम ने कहा कि तेलंगाना में मैं विकास का उत्सव मनाने आया हूं। तेलंगाना के आदिलाबाद में बोले पीएम मोदी, 140 करोड़ देशवासी ही मेरा परिवार है, मेरा देश ही मेरा परिवार है, हर देशवासी कह रहा है कि मैं हूं मोदी का परिवार। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने पीएम मोदी को बताया बड़ा भाई, तेलंगाना सीएम ने गुजरात मॉडल को सराहा, कहा कि केंद्र सरकार के साथ लड़ेंगे नहीं बल्कि पीएम मोदी से राज्य के विकास में सहयोग चाहेंगे। तेलंगाना के बाद सोमवार को पीएम मोदी चेन्नई पहुंचे, चेन्नई में जनसभा को संबोधित करते हुए सत्तारूढ़ डीएमके पर साधा निशाना, कहा कि मेरे आने से कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है। प्रधानमंत्री मोदी अगले 3 दिन में 5 राज्यों का दौरा कर विकास योजनाओं की सौगात देंगे, पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि मैं तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लूंगा। तेलंगाना के आदिलाबाद में पीएम मोदी के मैं हूं मोदी परिवार वाले नारे के बाद बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने एक्स पर अपना बायो बदल लिया, बायो में मोदी का परिवार लिख लिया है। पंजाब विधानसभा में आज साल 2024-25 का बजट पेश होगा, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा पेश करेंगे बजट, कांग्रेस पर बढ़ते कर्ज के बोझ से तमाम मुद्दों पर कर सकती है बजट का बॉयकॉट। हिमाचल प्रदेश में सीएम बदलने से कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व का 2 ठूक इनकार, राज्य के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल से हुई मुलाकात रही बेअसर, लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नहीं बदला जाएगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज मध्य प्रदेश के उज्जैन में रहेगी, राहुल करेंगे महाकाल के दर्शन, उज्जैन में जनसभा को भी संबोधित करेंगे और मक्सी में परीक्षार्थियों और बटनगर में महिला समूह से राहुल गांधी का संवाद होगा।
दिल्ली में आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है। लोकसभा प्रत्याशियों के नाम होंगे फाइनल। राजस्थान की अधिकांश सीटों पर उम्मीदवारों के नाम आज तय हो सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज महाराष्ट्र का दौरा है। अकोला, जलगांव और छत्रपति संभाजी नगर में पार्टी नेताओं के साथ शाह की बैठक है। जलगांव में महायुवा सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिमाचल प्रदेश को देंगे 400 करोड़ की योजना की सौगात। 14 सड़क परियोजनाओं और एक रोपवे का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम भी शामिल है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों का पैनल तैयार है। आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में नामों पर होगी चर्चा। स्क्रीनिंग कमेटी में तय नाम सीसी में भेजे जाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा सदस्य के तौर पर दिया इस्तीफा। नड्डा हाल ही में गुजरात से निर्विरोध राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। पश्चिम बंगाल के दौरे पर 15 सदस्यीय केंद्रीय चुनाव समिति की टीम। राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त और निर्वाचन पदाधिकारी के साथ बैठक। आज राजनीतिक दलों के साथ बैठक के बाद होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। पश्चिमी दिल्ली से टिकट कटने पर बोले सांसद प्रवेश वर्मा। कहा कि बीजेपी कैडर बेस्ट पार्टी है। यहां आम कार्यकर्ता भी सीएम और चाय वाला पीएम बन सकता है। हमारे यहां हर कार्यकर्ता को मौका देने की परंपरा है। भारत राष्ट्र समिति ने तेलंगाना में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 4 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। तेलंगाना में लोकसभा की कुल 17 सीटें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को दिया बड़ा झटका। 15 जून तक पार्टी ऑफिस खाली करने का निर्देश। दिल्ली हाई कोर्ट की जमीन पर अवैध तरीके से बना है आम आदमी पार्टी का ऑफिस। दिल्ली शराब घोटाले में पूछताछ के लिए केजरीवाल आत्मसम्मान पर भी नहीं हुए पेश। केजरीवाल ईडी को जवाब दिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सवालों का जवाब देने को तैयार हूं। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर ईडी को जवाब देने को तैयार है, लेकिन ईडी के मन में खोट है, इसलिए फिर बुलाने के लिए बहाने खोजे जा रहे हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पलटवार किया है। कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को लूटने का काम किया है। वोट के बदले नोट केस में 7 जजों की संविधान पीठ का सुप्रीम फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विशेषाधिकार के तहत सांसद और विधायकों को छूट नहीं, सदन में नोट लेकर दिया वोट या भाषण तो चलेगा केस। मामले में 1998 के फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वोट के बदले नोट लेने वालों पर होगा मुकदमा। मामले में सांसद विधायकों को कानूनी छूट नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में यह भी कहा कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि घूस लेने वाले ने घूस देने वाले के मुताबिक वोट दिया है या फिर नहीं। चीफ जस्टिस चंद्रचूड की अगुवाई में 7 जजों की पीठ ने 1998 के नरसिम्हा राव के फैसले को पलटा। अब सांसद या विधायक मतदान के लिए रिश्वत लेकर मुकदमे की कार्रवाई से नहीं बच सकते हैं। दिल्ली सरकार का 76,000 करोड़ का बजट पेश। शिक्षा मंत्री आतिशी ने बजट पेश करते हुए कहा कि हमने शिक्षा का बजट दोगुना किया है। दिल्ली में शिक्षा के लिए पैसे की कमी नहीं रखी है। सबके लिए गर्व की बात है कि आज अरविंद केजरीवाल जी की सरकार का 10वां बजट इस दिल्ली विधानसभा में प्रस्तुत हो रहा है। आदिशी बोली कि आज दिल्ली के हर स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम है। वर्ल्ड क्लास शिक्षा के लिए टीचर्स को वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग भी कराई गई। आतिशी ने बजट पेश करते हुए कहा कि दिल्ली पर प्रभु श्री राम की कृपा है। दिल्ली में 3 टप्पर के स्कूल अब टैलेंट वाले हुए हैं। पिछले साल की तुलना में इस साल दिल्ली सरकार का बजट तकरीबन 2,000 करोड़ घटा है। पिछले साल दिल्ली का बजट 78,000 करोड़ था। कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। जस्टिस अभिजीत ने दिया है इस्तीफा। न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय कल अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को भेजेंगे, लेकिन वे किस पार्टी में शामिल होंगे ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस के इस्तीफे पर संजय राउत बोले कि अगर जज किसी विशिष्ट राजनीतिक दल में शामिल होते हैं तो मतलब साफ है कि वे न्याय नहीं दे रहे थे। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति महोदय वहां चेयर पर बैठे हैं, सिटिंग जज है, इस्तीफा देते हैं और किसी पार्टी में शामिल होते हैं, उसका मतलब है आप जिस कुर्सी पर बैठे थे वहां बैठकर न्याय नहीं कर रहे थे। कौन बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने गंगोपाध्याय को लेकर बयान दिया है। कहा कि लोगों का विश्वास कायम करने और स्वच्छ राजनीति स्थापित करने के लिए सच्चे लोगों की राजनीति में जरूरत है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल यात्रा के बीच राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर करारा वार किया। एक्स पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा कि देश के युवाओं एक बात नोट कर लें, नरेंद्र मोदी की नियति रोजगार देने की बिल्कुल नहीं है।
राहुल गांधी ने लिखा कि नए पद निकालना तो दूर, पीएम मोदी केंद्र सरकार के खाली पड़े पदों पर भी कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। 15 प्रमुख विभागों में 30% से अधिक पद खाली क्यों हैं? युवा न्याय को टैग करते हुए राहुल गांधी ने लिखा कि इंडिया का संकल्प है कि हम युवाओं के लिए नौकरी के लिए द्वार खोल देंगे, बेरोजगारी के अंधेरे को चीर कर युवाओं के भाग्य का सूर्योदय करेंगे। राहुल गांधी ने जीएसटी के फैसले को उद्योगों के लिए घातक बताया, कहा कि जीएसटी से टूटी छोटे व्यापारियों की कमर। नागपुर एयरपोर्ट पर बीजेपी के आम कार्यकर्ताओं से मिले पीएम मोदी, बूथ पंचायत समिति तहसील लेवल पर काम करने वाले लगभग 30 कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुए धमाके की जांच एनआईए को सौंपी गई है। 3 दिन बाद भी अब तक धमाके के आरोपियों का सुराग नहीं मिला है। गृह मंत्रालय ने जांच ईडी को सौंपी है रामेश्वरम कैफे के धमाके की कड़ी। बेंगलुरु, कोयंबटूर और शिवमोगा में हुए धमाके से जुड़ी हुई है। हरियाणा में फिर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई हैं। हरियाणा में सरपंच एसोसिएशन के प्रधान संजय दुहन की हत्या की गई है। सरपंच को 7 गोलियां मारी गई। बीती रात शादी से लौटते वक्त कार सवार बदमाशों ने संजय को गोलियों से भुना है। आपसी रंजिश में यह हत्या का शक जताया जा रहा है। तनाव को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती है। हांसी से विधायक विनोद भयाणा भी मौके पर पहुंचे और विधायक ने पुलिस पर उठाए सवाल, कहा कि संजय दुहन को सुरक्षा न दिए जाने की जांच की जाएगी। नफीर सिंह राठी हत्याकांड में पुलिस के हत्या चढ़े शूटर सौरव और आशीष नाम के शूटर्स को पुलिस ने गोवा से गिरफ्तार किया है। कपिल सांगवान गैंग से जुड़े हैं दोनों शूटर्स। कपिल सांगवान उप नंदू गैंग के दोनों शूटर्स को झज्जर पुलिस, हरियाणा एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के ज्वाइंट ऑपरेशन में गिरफ्तार किया गया। 2 और शूटर्स के लिए छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने 4 शूटर्स के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। 25 फरवरी को नैलो की हरियाणा इकाई के अध्यक्ष नफीर सिंह राठी को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। संदिग्धों का सीसीटीवी भी सामने आया था। जम्मू कश्मीर के रामबन में सड़क हादसा हुआ है। 500 फीट गहरी खाई में गिरी कार, हादसे में 4 लोग की मौत, 3 घायल। घायल लोगों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। स्थानीय लोगों के साथ पुलिस ने रेस्क्यू किया। असम के नगांव में कैथपिल चारियाली के पास आग लगी, 5 घर जले। घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। मॉरिशस में महाशिवरात्रि से जुड़े एक अनुष्ठान के दौरान हादसा हुआ है। 6 लोगों की मौत हो गई। श्रद्धालु देवी देवताओं की सजी झांकी को ग्रैंड विसल झील ले जा रहे थे और इसी दौरान बिजली के तार के संपर्क में आकर आग लग गई। मॉरिशस में हुए हादसे में 7 लोग जख्मी हो गए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉरिशस में हुए हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने नेपाली कांग्रेस के साथ 15 साल पुराना गठबंधन तोड़ा। पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली के एमएल के साथ नया गठबंधन बनाया है। मंत्रिमंडल में फेरबदल, सोमवार को 3 नए मंत्रियों ने ली शपथ। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पाकिस्तान की दूसरी बार पीएम बनने पर शहबाज शरीफ को बधाई दी, कहा कि दोनों देशों के बीच राजनीतिक साझेदारी को मजबूत बनाने की प्रक्रिया चलती रहेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन में बनी कारों को लेकर विशेष जांच के आदेश दिए। खुफिया एजेंसियों ने चीन में बनी कार के जरिए जासूसी किए जाने की आशंका भी जताई थी। फिलिस्तीन के गाजा में इसराइल ने फिर की भीषण बमबारी। रविवार को दीर अल बहाल और रफा इलाके में एयर स्ट्राइक की गई है। 12 से अधिक मौतें हुई हैं, सैकड़ों लोग जख्मी हैं, घायलों में कई की हालत गंभीर है। फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी की कॉमेडी फिल्म मडगांव एक्सप्रेस का फर्स्ट लुक पोस्टर जारी हुआ है। फिल्म में एक्ट्रेस नोरा फतेही आएंगी नजर। फिल्म 22 मार्च को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया ने वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा की, भक्ति में मग्न हुई एक्ट्रेस। साउथ एक्टर तेजा सज्जा ने फिल्म हनुमान की एक्ट्रेस वरलक्ष्मी शरत कुमार ने की सगाई। एक्ट्रेस ने सगाई की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। पॉपुलर डांस रियलिटी शो झलक दिखलाजा के 11वें सीजन की विजेता बनी मनीषा रानी। जज अर्शद वारसी, मलाइका अरोड़ा, फरहान खान ने सीजन के विनर की घोषणा की।